Assalamualaikum, मेरा नाम है मारिया खान और आज जो प्रोजेक्ट मैं अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है 18, जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद का अब तक का सबसे लग्जूरियस प्रोजेक्ट है। और इस वीडियो में हम लोग जो है 18 का एक ओवरव्यू कवर करेंगे, क्योंकि ये कंपैरेटिवली एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं और उसको एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इस वजह से हमने इसको डिफरेंट सीरीज़ में डिवाइड किया है ताकि हम अपने व्यूअर्स को बेहतर तरीके से इसके बारे में समझा सकें। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि 18 का ओवरव्यू क्या है और इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, इसे कितने फेजेस हैं, उसकी लीगैलिटीज़ वगैरह की जो डिटेल्स हैं वो सब कुछ आप इस वीडियो में हासिल कर सकेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सबसे पहले 18 के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हुए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 18 अब तक का सबसे लग्जूरियस प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद और रावलपिंडी का, और ये एक बेहतरीन लोकेशन पे मौजूद है। इस सोसाइटी के जो बिल्डर्स हैं उनका एम है कि वो एक स्पेसिफिकली एक ऐसी कम्युनिटी डिज़ाइन करना चाहते हैं जहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी जाए और इंतहाई सिक्योर और रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए। और वो लोग स्पेशली जो ओवरसीज़ रह चुके हैं या रहते हैं और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और हाई स्टैंडर्ड्स के बारे में जानते हैं, ये कम्युनिटी स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है क्योंकि यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। 18 बेसिकली एक गेटेड कम्युनिटी है, ये बिल्कुल प्राइवेट है और सिक्योर है और इसके सराउंडिंग में बहुत ही खूबसूरत इसकी सराउंडिंग है। और उसके अलावा ये कम्युनिटी उन लोगों के लिए है जो एक एक्स्ट्रावेगेंट मॉडर्न और एक बहुत ही शानदार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और अब बात करते हैं 18 के मास्टर प्लान के बारे में। तो 18 बेसिकली 2 फेजेस में डिवाइडेड है, फेज़ 1 और फेज़ 2। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 18 में क्या क्या चीज़ें लोकेटेड हैं और उनको क्या नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर विलास हैं, हाइट्स हैं, क्लब है, द स्केयर है, द कोर है, द क्लिनिक और द रिजॉर्ट है। और ये सारे नाम जो मैंने लिए हैं अब मैं आपको डिफ़ाइन करूँगी, आपको बताऊँगी कि यहाँ पर द स्केयर में क्या लोकेटेड है और द कोर में क्या लोकेटेड है, ये सारी डिटेल्स। सबसे पहले द विलास के बारे में बात करते हुए, द विलास में डिफरेंट साइजेस के विलास मौजूद हैं जो कि बहुत ही लग्जोरियस है और बहुत ही एलिगेंटली इनको डिज़ाइन किया गया है। इनका आर्किटेक्चर बहुत ही लग्जोरियस है, एलिगेंट है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो द विलास जो है वो डिफरेंट साइजेस में मौजूद हैं, जैसे कि हाफ कनाल, 1 कनाल, 2 कनाल एंड 4 कनाल विलास। और इसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत हैं, यहाँ से जो इनका व्यू है वहाँ पे 18 होल गोल्फ कोर्स भी दिखता है। और उसके अलावा ओवरऑल ये सोसाइटी बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की जा रही है। और अब बात करते हैं द हाइट्स की जो 18 में लोकेटेड है। तो द हाइट्स जो है बेसिकली वो लो राइज अपार्टमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट साइजेस में मौजूद हैं, जैसे कि स्टूडियो 1, 2, 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स, और उसके अलावा यहाँ पर पेंट हाउसेस मौजूद होंगे। तो ये भी बहुत ही एलिगेंटली डिज़ाइन किए गए हैं, यहाँ पर प्राइवेसी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, जो कि फैमिली की फैसिलिटीज़ होती हैं, उनकी नीड्स होती हैं, उस लिहाज से उसको सिक्योर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और उसके अलावा इसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, यहाँ से भी 18 होल गोल्फ कोर्स का व्यू आता है। और उसके अलावा इसकी सराउंडिंग में ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, तो उन लोगों के लिए जो एक प्राइवेट सिक्योर इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं उनके लिए अपार्टमेंट्स बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अब बात करते हैं द क्लब के बारे में। तो द क्लब जो है वो बेसिकली 18 का एक एंटरटेनमेंट हब है, यहाँ पर डाइनिंग के, ड्रिंक्स के और इसके अलावा डिफरेंट एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ रखी जाएंगी। यहाँ पर स्पोर्ट्स हो गए, क्रिकेट क्लब हो गया, गोल्फ हो गया और जिम हो गया, इस तरह की जो जितनी भी एंटरटेनमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं, डाइनिंग है, लंच के लिए और फ्रेंड्स के साथ आउटिंग वगैरह के लिए जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो सब यहाँ पर मौजूद होंगी। बेसिकली ये 18 का एक इंटरटेनमेंट हब है। और अब बात करते हैं द स्केयर के बारे में। तो द स्केयर जो है वो इनका एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग और इसके अलावा गोरमे डाइनिंग और रेस्टोरेंट्स, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी। यहाँ पर डिफरेंट कुजींस के रेस्टोरेंट्स होंगे और इसके अलावा इंटरनेशनल ब्रांड्स के वहाँ पर शॉप्स वगैरह होंगी। बेसिकली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो शॉपिंग के लिहाज से जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर द स्केयर में मौजूद होंगी। उसके अलावा डाइनिंग, लंच और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ द स्केयर में प्रोवाइड की जाएंगी। और अब बात करते हैं 18 के द कोर के बारे में। तो जो द कोर है 18 का वो बेसिकली इनका बिज़नेस केयर है और वो वहाँ पर जितनी भी बिज़नेस रिलेटेड टेनेंट्स हैं वहाँ पे मौजूद होंगे, जैसे कि वहाँ पे कॉर्पोरेट और कमर्शियल रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ पे डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं जो कॉर्पोरेट से रिलेटेड हैं, बिज़नेस केयर है उनका। और ये उन लोगों के लिए जो एक ऐसी लोकेशन पे अपने ऑफिसेज या अपने कमर्शियल वेंचर्स स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे मौजूद हो, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ये आगे जाके इस्लामाबाद रावलपिंडी का एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनने वाला है। तो इस लिहाज से ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो ऐसी जगह पर अपने ऑफिसेज वगैरह और अपने कॉर्पोरेट से रिलेटेड चीज़ें, ऑफिसेज
जो अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह खोलना चाहते हैं जहाँ पे लोकेशन बहुत ही बेहतरीन हो और वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जीटी रोड, इन तमाम जगहों से बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हो, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और अब बात करते हैं द क्लिनिक की। तो द क्लिनिक जो है, जैसे कि नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर तमाम जो हेल्थ केयर रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगी। यहाँ पर इन पेशेंट आउट पेशेंट की तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी। बेसिकली जितने भी लोग जो एटीम में रहते हैं, उनको कोई भी हेल्थ केयर रिलेटेड इशू हो जाता है, उन लोगों के लिए यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और अब बात करते हैं द रिज़ॉर्ट के बारे में जो कि एटीम में लोकेटेड है। तो द रिज़ॉर्ट जो है वो एक 5-स्टार होटल बुटीक है जो कि जस्ट लिमिटेड है 150 कीस तक। और यहाँ पर डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि स्पा है, जिम है, और इसके अलावा यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी लोगों को, रेजिडेंट्स को या जो वहाँ के जो विजिटर्स होंगे उनको, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होंगी और वर्ल्ड क्लास होटेलियर्स वाली सर्विस को प्रोवाइड की जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पर बाकी तमाम इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आ सकते हैं, 1000 प्लस गेस्ट की यहाँ पर गुंजाइश होगी। और उसके अलावा डिफरेंट इवेंट्स वगैरह करवाने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। और अब बात करते हैं 18 की लोकेशन के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये बहुत ही एक आइडियल लोकेशन पर बेस्ड है। ये श्रीनगर हाईवे के पास है और उसके अलावा ये सेक्टर 817 इस्लामाबाद के मिडिल में लोकेटेड है। ये इजीली एक्सेसिबल है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कश्मीर हाईवे के थ्रू, और उसके अलावा ये अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स की ड्राइव पर है एयरपोर्ट से। उसके अलावा गोल्डा मोड़ और इस्लामाबाद मोटरवे जो है वो भी 5 किलोमीटर के फासले पे हैं। और इसके जो डेवलपर हैं वो एक्टिवली काम कर रहे हैं एक सेपरेट इंटरचेंज हासिल करने के लिए फ्रॉम NHAI NFWO। और अब बात करते हैं 18 के डेवलपर्स के बारे में। तो 18 जो है वो एक जॉइंट वेंचर है और डेवलपर्स सेल्फ ग्रुप ऑफ कंपनीज और कोहिस्तान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का। और इसके अलावा इसकी जो डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चर है उसके लिए भी इन्होंने इंटरनेशनली ग्लोबल रीनोन जो नेम्स हैं उनकी सर्विसेज को लिया है, जैसे कि IDG गोल्फ कोर्स के लिए और इसके अलावा विम्बरली इंटीरियर्स। और इन्होंने इंटीरियर और आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग के लिए WETG लंदन, विम्बरली इंटीरियर्स और IDG गोल्फ कोर्स उनकी सर्विसेज को अवेल किया है अपने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, उसके आर्किटेक्चर और उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। और अब बात करते हैं 18 के NOC और लीगलिटीज़ के बारे में। तो 18 एक कम्प्लीटली लीगल प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी इन लोगों के पास RDA से NOC मौजूद है। और अब बात करते हैं 18 के प्राइस प्लान के बारे में। तो इनकी जो बुकिंग है वो 15% से स्टार्ट हो जाती है, और इसके अलावा जो इनके डिफरेंट विलाज और अपार्टमेंट्स के रेट्स हैं, करंट रेट्स, उसके बारे में अभी आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके हाफ कनाल के विला के बारे में। तो इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 5,23,72,716 से, जो कि जाती है 5,99,82,868 तक। और उसके अलावा इनके जो वन कनाल के जो विलाज हैं उसकी प्राइस है 9,68,20,000, जो कि जाती है 9,99,10,000 तक। तो इनके विलास के इसी तरीके से जो 2 और 3 विलास हैं वो भी डिफरेंट इसके रेट्स हैं, और उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमसे जब चाहें amanat.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब अपार्टमेंट्स की तरफ आते हुए, इनके अपार्टमेंट्स के जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट, 1, 2 and 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके भी डिफरेंट प्राइस रेंजेस हैं। तो उसके जो करंट प्राइस रेंज है स्टूडियो अपार्टमेंट की, वो स्टार्ट होती है 1,39,74,000 से और जाती है मैक्सिमम 1,48,92,000 तक, जो कि कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। और उसके अलावा इनके जो बाकी 1, 2 and 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं उसके भी डिफरेंट प्राइस और रेट्स हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मज़ीद अपडेटेड प्राइस लिस्ट और डिफरेंट प्राइसेस वगैरह के बारे में जानने के लिए आप हमसे amanat.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं 18 के डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में। तो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम बहुत ही तेज़ी से जारी है, और होपफुली विद इन दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ये लोग अपने फेज़ 1 के जो पोजेशन है वो भी देना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही तेज़ी से जारी है। और इसके अलावा जो उनका करंट डेवलपमेंट स्टेटस है उसकी अपडेट्स हैं वो भी बहुत जल्द ही हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे उसके बारे में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अब बात करते हैं 18 के बुकिंग प्रोसीजर के बारे में। तो बुकिंग प्रोसीजर के लिए चाहिए होंगी 2 CNIC कॉपीज और 2 पासपोर्ट साइज इमेजेस जो मेन एप्लीकेंट हैं उनकी, और 2 CNIC कॉपीज और 2 पासपोर्ट साइज इमेजेस जो नॉमिनी हैं उनकी। तो व्यूअर्स, ये थी 18 की एक ओवरव्यू वीडियो, एंड आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग 18 आप लोग देख रहे थे, जो आप मालूम करना चाह रहे थे, काफ़ी हद तक आप लोगों की जो क्वेरीज है वो सॉल्व हो गई होंगी। और उसके अलावा कुछ और भी अपडेट्स हैं, कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो 18 से ही रिलेटेड हैं और जो कि नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे, जिसमें उसका करंट डेवलपमेंट स्टेटस है, उनके जो अवेलेबल यूनिट्स हैं जो कि अभी तक सोल्ड आउट नहीं है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये एक लग्जरियस प्रोजेक्ट है और इसके इतने ज़्यादा कॉस्टली होने के रीज़न्स क्या हैं, ये इतना एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट क्यों है,
ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और डिफरेंट और प्रोजेक्ट्स जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौजूद हैं उसकी डिटेल्स, उसके ओवरव्यूज हमारे ही इसी चैनल पर मौजूद हैं और वो आप उनको भी देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर इस वीडियो से आपको लगता हो कि आपको जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो मिल गई हो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स एज वेल। स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। amanat.com, पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल। मशवरा अमानत है।